आदतें, हैबिट वह चीज होती है जो हम किसी खास समय के अंतराल के बाद लगातार करते हैं। वह घटना रोज रोज हो सकती है किसी एक खास समय के अंतराल के बाद। ये आदतें हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, और इन्हीं आदतों में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 आदतें जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करती हैं। सबसे पहली आदत, वेटिंग फॉर समडे। किसी एक खास समय का इंतजार करना, किसी एक खास बिंदु का इंतजार करना किसी चीज की शुरुआत करने के लिए। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो इसका फायदा मुझे इस तरीके से मिला, किसी जिस भी अच्छी चीज की मैंने शुरुआत की, या फिर मेरे से शुरुआत हुई इवेंट की शुरुआत सोसाइटी की, यहाँ तक कि मेरी किताब लिखने की भी शुरुआत, वो मैंने की थी आधी रात को। जब सोचा उसकी शुरुआत की, आज वो अस्तित्व में है। अगर उस समय शुरुआत ना की होती तो शायद मुश्किल है, उस पर सवाल उठ सकता था कि उसका अस्तित्व होता या नहीं। दूसरी आदत, डाउटिंग योरसेल्फ। अब डाउट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डाउट कर लेना चाहिए, वो उसकी संभावना लगभग 2-4-5% हो, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में डाउट करना खुद के ऊपर, ये एक नकारात्मक रूप में ही हमारी शक्ति को लेके जाता है। तो डाउटिंग योरसेल्फ अच्छे तरीके से हमारे काम में आए, ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। तीसरी आदत, परफेक्शनिज्म। दुनिया में हम सब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नहीं जानते, दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो परफेक्शनिज्म की आशा करना कि जब मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊँगा तब तो इसकी शुरुआत करूँगा, ये थोड़ी मूढ़ता, या फिर कहें पूरी मूढ़ता वाली बात होगी। यहाँ तक कि अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत पता हो उसकी शुरुआत कर दें, तो थ्योरेटिकल पढ़ने से बेहतर है कि हम उसे प्रैक्टिकली पढ़ें, उसे प्रैक्टिकली समझें, और वो जल्दी तेज़ी से हम उसे सीख पाएंगे। तो परफेक्शनिज्म इज द थर्ड हैबिट डैट कैन रून योर लाइफ। चौथी आदत, नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ। हालांकि इसका कुछ प्रत्यक्ष अनुभव मेरे पास तो नहीं, लेकिन इतिहास और औरों का अनुभव ये कहता है कि हेल्थ, या तो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, ये चीज़ें ही हमारी जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। किसी एक खास इंसिडेंट के लिए, किसी एक खास परिस्थिति के लिए अगर हम उसे नकार दें, उसका नुकसान कर दें, तो ये हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, या फिर पूरी जिंदगी भर उसका असर, उसका बुरा असर हमारे साथ रहेगा। तो इसका ध्यान देना बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी होता है। पांचवी आदत, बींग अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। अगर हमने किसी से मदद मांगी, उन्होंने सुना, मदद की, हमारा काम हुआ। छोटी सी बात ये जितनी सुनने में लगती है उतनी आसान है भी, हालांकि हम इसे चूक इस वजह से जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में इसका निर्णय पूर्व अनुमान के साथ बनाते हैं कि अगर मैंने मदद मांगी, उसने कुछ गलत समझा, मदद नहीं मिली, तब अगर इसकी संभावना 1000-2000 में 1 भी है तो हमें कर लेनी चाहिए। इसका अवसर, इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। मुझे तो खासकर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, कुछ अच्छे अवसर, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी समझ इसके कारण ही विकसित हुई। इसके बाद छठी आदत है, ब्लेमिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी को ब्लेम कर देते हैं किसी खास इवेंट के लिए, तो हम अपने भीतर की कमी को छुपा दे रहे होते हैं। तो अगर उसे ब्लेम कर देने के बजाय हम या तो इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद के अंदर समझने की कोशिश करें, या फिर परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, तो इसका असर कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ब्लेमिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर समझने का प्रयास करें, तो ये ज़्यादा सकारात्मक। और अब है आखिरी 7वीं आदत, अनकॉन्सियस अबाउट द टाइम, अनकॉन्सियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि आप कुछ कर रहे हो, अभी वीडियो आपने 7 मिनट की, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की देख ली, अगर आपको पता है कि हाँ मैंने ये देखा, इस तरीके से मेरा समय गुजरा, तो आपका स्वागत है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप में समझ का विकास बहुत ऊपर है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखने की कोशिश करो आप, और इस बार आपको ध्यान रहे कि हाँ ये वीडियो गुजर रही है। तो ये चीज़ ज़िंदगी में एक दूसरे पक्ष का विकास कर सकती है और हमारी ज़िंदगी को एक नए आयाम पर लेके जा सकती है। तो ये भी कुल 7 आदतें जिसमें सुधार कर हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ज़िंदगी में निखार ला सकते हैं। आपने इतने प्यार और ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।